हाई एवरी वन वेलकम टू बाय ईज सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास टेन दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है किसी भी बॉडी की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है एंड कैसे वो कॉर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ उसका हम किस में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो दो टर्म्स आते हैं स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स स्टिमुलाई क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्ट्रीमोलाई ऐसे चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म को मजबूर कर देते हैं रिएक्ट करने के लिए रिस्पोंड करने के लिए दिज आर कोल्ड स्ट्रीमुलाई एंड जो ये स्ट्रीमुलाई के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स दिया रिएक्शन दिया दैट इज कोल्ड रिस्पॉन्स तो स्ट्रीमोलाई और रिस्पॉन्स ये होता है फिर आता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है वेरियस ऑर्गन्स का एक साथ मिलकर काम करना इन अ सस्टमेटिक मैनर सो दैट जो स्टिमुलाई है उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दे सकें उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन क्या है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ एक सिस्टमेटिक तरीके में वर्क करते हैं और जो भी स्टिमुलाई एनवायरनमेंट से आई है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं ओके okay. तो फर्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स तो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स क्यों क्योंकि प्लांट्स में हमें पता है ना तो इनके पास नर्वस सिस्टम है ना ही सेंस ऑर्गन्स है लाइक आइज ईयर्स एंड नोज बट इनके पास स्टमुलाई को सेंस करने के लिए इनके पास हैं ऑर्गन्स लाइक लाइट है ग्रेविटी like है केमिकल्स हैं वाटर हैं टच है इनके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स है वो अपना रिस्पोंड देते हैं तो ये कैसे देते हैं इनके पास तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं तो ये कैसे देते, है? है है, ये देते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स जो ये हॉर्मोन्स हैं इनके अकॉर्डिंग ये चिमोलाई के रिस्पॉन्स देते हैं पर जो ये रिस्पॉन्स है ना वो थोड़ा स्लो होता है इसी वजह से हमें ये रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता बट एक लॉन्गर पीरियड के बाद जो इस का रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है तो फंक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स में वो परफॉर्म किया जाता है बाय अ प्लांट हॉर्मोन्स दैट इज कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स प्लांट हॉर्मोन्स को हम क्या कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स तो प्लांट हॉर्मोन्स हैं फोर टाइप के हुए ऑक्जीन जिब्रलिन साइटोकाइनिन एप्सिस एसिड और एक और होता है इथाइलिन वैसे तो बहुत सारे होते हैं मेनली हम ये फोर पढ़ेंगे ठीक तो है तो फर्स्ट है ऑक्जीन ऑक्जीन क्या करवाता है ये प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट एनलार्जमेंट क्या है सेल के साइज के अंदर ग्रोथ करवाना दैट इज़ कॉल्ड सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसीशन सेल डिफ्रेंसीशन का मतलब है एक सेल है उसको कोई फंक्शन नहीं है बट उसको कुछ दिन बाद एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया जाए कि आपको करनी है इस टिश्यू की फॉर्मेशन आपको करनी है इस टिश्यू की फॉर्मेशन उसको हम कहते हैं सेल डिफ्रेंसीशन ओके तो यहाँ पर जो ऑक्जीन है वो प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को फ्रूट की जो ग्रोथ है उसको भी प्रमोशन कौन देता है ऑक्जीन और जो ऑक्जीन है वो प्लांट के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्स किसके लिए स्टिमुलाई दैट इज लाइट एंड ग्रेविटी अब कैसे देता है ओक्जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के लिए और ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ स्टैम्स एंड रूट्स तो यहाँ पर स्टेम के अंदर ये स्पीड सब करवाता है ग्रोथ को क्यों क्योंकि स्टेम में जो ऑक्जीन है वो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और रूट्स के अंदर जो ऑक्जीन है वो होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और यहाँ पर ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है ठीक है तो यहाँ पर रूट की ग्रोथ होती नहीं है और ऑक्जीन है स्टेम की ग्रोथ करवाता है नेक्स्ट आता है जिब्रलिन जो जिब्रेलिन है वो भी प्रमोट करता है सेल इन्ार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसीशन बट यहाँ पर इसका एक और फंक्शन है दैट इज़ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन सीड्स डरमेन्सी क्या होती है एक सीड है उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही वो वैसे के वैसा रखा है उसको हम कहते हैं डोरमेंट पीरियड तो यहाँ पर सीड है डोरमेंसी के अंदर है उसको ब्रेक करवाने का, का काम ताकि वहाँ से एक नयू प्लांट बर्ड की फॉर्मेशन हो वो कौन करवाता है जिब्रलिन और ये करवाता है फ्रूट की ग्रोथ की प्रमोशन एंड स्टिमुलेट करता है इलोंगेशन ऑफ शूट्स ओके शूट्स की लेटरल ग्रोथ में लाइक ये शूट है इस तरफ एंड इस तरफ जो ग्रोथ है लेटरल ग्रोथ वो कौन करवाता है जिब्रलिन तो ऑक्जीन करवाता है वर्टिकल ग्रोथ एंड जो जिब्रलिन है वो करवाता है लेटरल ग्रोथ ओके नेक्स्ट है साइटोकाइनिन है ये क्या करता है प्रमोट करता है सेल डिवीजन इन प्लांट्स देखो साइटोमीन्स सेल काइनिन मीनस डिवीज़न तो यहाँ पर क्या करवाया जाता है ये प्लांट्स के अंदर करवाता है सेल डिवीजन की प्रमोशन और हेल्प करता है इन ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स सेम वही जिब्रेलिन का काम है डोमेंसी जो फ्रूट्स के अंदर है और सीड्स के अंदर है बर्ड्स के अंदर है, और सीड्स के अंदर जो डोमेंसी है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है साइटोकाइनिन और यहाँ पर इसका एक और काम होता है लीव्स की एजिंग को डिले करना जो लीव्स हैं ग्रीन होती हैं उसके बाद वो तो येलो होना शुरू हो जाती है बट अगर हम वहाँ पर साइटोकाइनिन के साथ उसको ट्रीट करवाएं तो यहाँ पर जो इनकी एजिंग है लीव्स की वो स्टॉप हो जाती है या डिले हो जाती है ओके एंड ये प्रमोट करवाता है ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड है ग्रोथ इनिबीटर है ग्रोथ को स्टॉप करता है एंड प्रमोट करता है डोमैसी इन सीड्स एंड बर्ड्स और ये प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा एंड प्रमोट्स फिल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स लीव्स का येलो होके गिरना ये कौन प्रमोट करवाता है एब्सिसिक एसिड ठीक है तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ऑक्जीन्स हैं मे बी हार्मफुल टू तो प्लांट्स इन प्रेजेंस इन इफ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट अगर ऑक्जीन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर तो वो हार्मफुल हो सकता है और मोस्ट कॉमन ऑक्जीन का एग्जाम्पल क्या है इंडो थ्री एसिडिक एसिड नेक्स्ट इज जिब्रोलिन जिब्रोलिन है वो राइस के अंदर सबसे पहले मिला था बाय जैपनीज रिसर्चर और यहाँ पर जो जिब्रेलिन है वो प्रोड्यूस किया गया था फंगी के द्वारा यहाँ पर उन्होंने क्या देखा जो राइस था वहाँ पर कुछ राइस की अब नॉर्मल ग्रोथ थी तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक फंगी थी जो रिलीज़ कर रही थी जिब्रलिन ठीक है तो जिब्रेलिन का काम क्या है लेटरल ग्रोथ करवाना सेल एलोंगेशन करवाना सेल डिफ्रेंसीेशन करवाना नेक्स्ट है साइटोकाइनिन तो साइटोकाइनिन तो है वो इंड्यूस करता है रेजिस्टेंसी इन प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजेंस तो साइटोकाइनिन क्या करवाएगा प्लांट्स में पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करेगा ताकि वो प्लांट्स है पैथोजन के अगेंस्ट लड़ सके ओके नेक्स्ट है एप्सिसिक एसिड एपसिसिक एसिड सीड के लिए हेल्पफुल होता है कब जब यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं देखो सीड के पास अनफेवरेबल कंडीशंस है एसिडिक मीडियम में सीड प्रेजेंट है और अगर सीड ने डोरमेंसी ब्रेक कर दी एक प्लांट बर्ड की फॉर्मेशन कर दी तो वहाँ पर जो प्लांट बर्ड है वो किल हो सकता है एसिडिक मीडियम की वजह से तो यहाँ पर एप्सिक एसिड क्या करवाता है उसकी डोरमेंसी को इंक्रीज कर देता है ओके okay, नेक्स्ट है हार्मोन इथाइलिन इथाइलिन है वो क्या है गैस है और यहाँ पर फ्रेशली ग्रोइंग प्लांट्स के अंदर ये ज़्यादा फास्टर रेट में प्रोड्यूस होती है और डार्कनेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ये अफेक्ट करती है फ्रूट ट्राइपनिंग को फ्रूट ट्राइपनिंग को इंक्रीज करती है इथाइलिन गैस ओके नेक्स्ट है प्लांट मूवमेंट्स अब देखो प्लांट मूवमेंट्स से दो टाइप की होते हैं ट्रोपिज्म एंड नास्टिज़्मोपिज़्म क्या है अगर स्ट्रीमुलस की डायरेक्शन ये बता रही हो कि रिस्पॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी उसको हम कहेंगे ट्रोपिज्म और अगर स्ट्रीमुलस की डायरेक्शन ना बताए कि रिस्पॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी दैट इज़ कॉल्ड नास्टिज्म और नास्टिक ओके तो ट्रॉपिज्म में ट्रॉपिक मोमेंट्स है इसके अंदर बहुत सारे ट्रोपिज्म होते हैं फोटोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म थिगमोट्रोपिज्म बट फर्स्ट हम लेके चलेंगे फोटोट्रोपिज्म और उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव फोटो पॉजिटिव ट्रोपिजम क्या होता है और नेगेटिव ट्रोपिजम क्या होता है तो ट्रोपिजम क्या है एक ग्रोथ मूवमेंट होना प्लांट पार्ट में इन रिस्पॉन्स टू तो एक्सटर्नल स्टिमुलस और जहाँ पर जो ये डायरेक्शन है स्टिमुलस की वो डिटरमाइन करे डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स और यहाँ पर पॉजिटिव ट्रोपिजम है क्या है प्लांट की ग्रोथ होना टूवर्ड्स द स्टिमुलस और यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होना अगेंस्ट द स्टिमुलस उसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म तो फर्स्ट आता है फोटोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म किसकी वजह से होता है लाइट की वजह से होता है यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब है प्लांट की ग्रोथ होना इन रिस्पॉन्स टू अ लाइट स्टिमुलस लाइट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ग्रोथ होना प्लांट की दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज़म और यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्जीन हॉर्मोन ये क्या करता है फोटोट्रोपिज़म जब यहाँ प्लांट के पास लाइट प्रेजेंट होती है वहाँ पर ऑक्जीन रिएक्ट करता है कैसे करेगा जो शूट्स हैं उसके अंदर ऑक्जीन प्रेजेंट है मैंने बताया शूट की टिप पर रूट की टिप पर क्या प्रेजेंट है ऑक्जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा जो ये शूट्स हैं वो लाइट की तरफ बैंड करके रिस्पोंड करेगी टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस और यहाँ पर क्या होता है एक एग्जांपल ये है कि जो लीव्स हैं वो अपने क्लोरोप्लास्ट को अरेंज कर लेती हैं ताकि वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके और उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की जा सके और इससे क्या होगा फूड ज़्यादा मिलेगा प्लांट को तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी ओके और रूट्स के अंदर जो ये, फोटोट्रोपिज़्म है वो होता है नेगेटिव रूट्स हैं हमेशा सनलाइट से अवे जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे ओके सो यहाँ पर क्या होता है सेवरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाता है कहाँ पर जहाँ पर लाइट गिर रही हो ये क्या बताएगा कि लाइट सोर्स है कहाँ से आ रहा है वहाँ पर जीन्स को एक्टिवेट किया जाएगा और यहाँ पर हार्मोन ग्रेडियंट का जो हार्मोन का ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा और इससे क्या होगा जैसे ओक्जीन है ओक्जीन प्रेफर करता है डार्क के अंदर रहने का तो ओक्जीन क्या करेगा एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा अब ओक्जीन है क्या करवाता है ग्रोथ करवाता है प्लांट की तो ये क्या करेगा कुछ यहाँ पर ग्रोथ करवा देगा प्लांट की और प्लांट है कुछ ऐसे बैंड कर जाएगा तो ऐसा नहीं है ऑक्जीन ने पूरे प्लांट की बैंडिंग करवाई है नहीं ऑक्जीन ने सिर्फ एक तरफ के प्लांट की साइड को ग्रोथ करवाई है जिससे प्लांट है वो बैंड हो गया है तो ये क्या है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म जैसे एक रूट है हमने एक प्लांट ले लिया ओके अब ये प्लांट है कुछ दिन तक हमने ऐसे ही रखा धूप में और कुछ दिन बाद हमने देखा कि शूट्स के अंदर तो कुछ ऐसी ग्रोथ हुई है और रूट्स हैं कुछ ऐसी ग्रो हो गई हैं इससे हमें क्या पता चला कि जो रूट्स हैं वो हमेशा लाइट के सोर्स से दूर जाएगा और जो शूट है वो हमेशा लाइट के सोर्स की तरफ जाएगा तो शूट्स क्या शो करती हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज़्म और जो रूट्स हैं वो क्या शो करती हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म ओके तो यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं आगे के जो ट्रॉपिक मोमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे ओके थैंक यू